बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस। डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैथोड रेस की एक प्रॉपर्टी को। कैथोड रेस की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैथोड रेस के रस्से में जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में कैथोड रेस किस तरह से अपना बिहेवियर को शो करता है। सो आप इस पिक्चर में और एनिमेशन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर देखें, एक वैक्यूम ट्यूब है, यानी एक साइड पे इसको जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया और एक तरफ उसको पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसको का दाम नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो कैथोड रे है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, जो कि ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके रस्ते में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोवाइड की तो इस कंडीशन में देखें इसका जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ ये एंटर हो रही है। अगर मैं इसके करीब लेके जाता हूं मैग्नेट को तो आप देखिएगा कैथोड पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए इस कंडीशन में जैसे मैंने यहां पर रखा है नॉर्थ पोल, तो ये जो कैथोड रे है ये अपना रस्से को नॉर्थ पोल की तरफ इसने झुका लिया, टर्न कर लिया। इसी तरह से अगर मैं इसका मैग्नेट का को चेंज करता हूं, देखिए जैसे मैंने साउथ पोल ऊपर किया नॉर्थ पोल नीचे किया, तो इस कंडीशन में जो है जो कैथोड रे है ये ऊपर की तरफ जा रही है, साउथ से अवे जा रही है। दोबारा देखें, नॉर्थ पोल रखा तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, चेंज किया तो ये साउथ पोल से रिपेल हो रही है। सो ये छोटी सी एनिमेशन थी जिससे हमने ये सीखा कि जो कैथोड रे है, जो कि एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता है, अगर इनके रस्ते में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने पाथ को ये चेंज कर लेती है। अब स्टूडेंट, इस इफेक्ट के क्या क्या फायदे हैं, अगर हम इसी कैथोड रेस को इस्तेमाल करना चाहें तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो कैथोड रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सरेज प्रोडक्शन जो है, एक्सरेज प्रोडक्शन भी हम हासिल कर सकते हैं इन्हीं कैथोड रेस से। और एक्सरे जब कैथोड रे हमारी स्ट्राइक करते हैं किसी मैटर के साथ, तो वहाँ पर हमें एक्सरेज मिलती हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि गैसेस को आप आयोनाइज करें, यानी आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस पर भी इस्तेमाल होती है कैथोड रेस। इसके अलावा चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हम कैथोड रेस का सहारा लेते हैं। सो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने ये बताया कि कैथोड रेस जो है, अगर इनके रस्ते में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो अपने रस्ते को ये चेंज कर लेती है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को आपने जरूर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह से कोई नई एनिमेशन के थ्रू आपको कोई नया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़।